भाई जी टोपी आई पीछे अब चक्कर वाले की जय, अब शरबत वाले की जय, अब ज्योति वाले की जय, और संचय दरबार की जय। तो पहले खड़े होना था ना आगे पीछे आपको देख सकता हूँ ना मेरे को देख सकता बोले बाबा चमड़ियाल की अब तलाई वाले की अब चक्कर वाले की अब चरवत वाले की और सांचे दरबार की अपना प्रसाद भी लिया मिथु अपना प्रसाद लिया डागर भी लाया अपना लिया प्रसाद रख लेते साइड रस्ता दे दो बाल्टी तू बाल्टी होना इस मंदिर की काफी मान्यता है, काफी पुराने टाइम से यहाँ पर लोगों की आस्था रही है और BSF इसको मैनेज करती रही है और ये परंपरा रही है कि आज के दिन पहली चादर BSF की तरफ से चढ़ाई जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में आज पूरे फ्रंटियर हमारे इंस्पेक्टर जनरल, हमारे DIG साहब और हमारे पल्टन जो यहाँ 148 बटालियन BSF है उनके सारे रैंक होल्डर्स की तरफ से ये चादर आज चढ़ाई गई है यहाँ पर। और इस मंदिर की मान्यता दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ के स्थानीय लोगों का जो आस्था था वो अभी बाहर के दूर दराज के लोगों से लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो स्थान है, ये जो बाबा का मंदिर है, ये भारत के एक रिलीजियस मैप और टूरिज्म मैप में स्थान पाए, तो यही हमारी कामना भी है। और हमारी पूरी जो ट्रुप्स यहाँ पर हैं, पूरे बॉर्डर में रहते हैं, बाबा की ही छत छाया में यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और हमें आशा है कि बाबा इन यहाँ की सीमाओं की रक्षा में भी हमारा सहयोग करते रहते हैं। तो अहम रोल होता है इस मेले को लेकर। देखिए पहले BSF का ही इसका मैनेजमेंट था इस मंदिर का। 2012 के बाद से स्थानीय प्रशासन को ये जिम्मेवारी सौंप दी गई थी, लेकिन आज भी हमारा कैंप बगल में ही है, तो जो भी सहायता या जो भी असिस्टेंस मंदिर को चाहिए होती है हमारी तरफ से मिलती है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ आज भी परंपरा अनुसार पहला चादर BSF की तरफ से ही चढ़ाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारे बाबा जी का यहाँ पे स्नान होता है। स्नान होने के बाद हमारी जो आरती 4 बजे होती है, रीति रिवाज से वो 4 बजे आरती हुई है,
उसमें मतलब हमारे गांव के जितने भी भक्त यहाँ पे रात को सेवा करते हैं सभी शामिल होते हैं। और उस और आरती के बाद सबसे पहली चादर BSF की तरफ से कमांड की तरफ से चढ़ाई गई है। तो वो जो रीति रिवाज काफ़ी पुराना है, सबसे पहली चादर BSF की आती है वो चढ़ गई है। और हमारा जो मेला है जो इस बार का जो मेला है अभी से स्टार्ट हो चुका है, संगत आना शुरू हो गई है। प्रार्थना हम यही करते हैं बाबा जी से कि सबको मतलब सभी की मनोकामना पूर्ण हो और बॉर्डर पर सुख शांति हो, हर कोई खुशहाल जिंदगी जिए।